ये देखिए हम पूरा ताकत लगा करके घुमा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हैंडल ग्रिप घूमने का नाम नहीं ले रहा है और निकलने का नाम भी नहीं ले रहा है, हमारा परफेक्टली बाहर आ गया और ग्रिप हमारा खराब नहीं हुआ। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, जो कि हमें कमेंट किए हैं कि राजू जी हम अपना साइकिल का हैंडल ग्रिप को कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि ये हैंडल ग्रिप आप देख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को ये हैंडल ग्रिप निकाल करके दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को पता होगा इस चीज के बारे में कि साइकिल का हैंडल ग्रिप को किस तरह से निकाला जाता है। अगर आप जानते हैं फिर भी वीडियो को देखें, नहीं जानते हैं फिर भी ये वीडियो को देखें, क्योंकि हम बिना ग्रिप को खराब किए हुए, बिना कुछ किए हुए हम आसान तरीका से ग्रिप को निकाल करके आप लोग को दिखाएंगे। कई बार क्या होता है कि ग्रिप अधिकतर जाम हो जाने की वजह से जो निकालते हैं तो खराब हो जाता है, किसी भी तरह से हम लोग निकालते ग्रिप खराब हो जाता है, फिर हमें न्यू ग्रिप लगाना पड़ता है। अगर आप अपना साइकिल के हैंडल को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ग्रिप को निकालना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आप लोग को आसान सा तरीका बताते हैं। तो हैंडल ग्रिप निकालने के लिए एक आपको स्पैनर का जरूरत पड़ेगा, जो कि मंकी स्पैनर इसे बोला जाता है, मंकी प्लायर, तोता प्लायर दोनों ही बोला जाता है। एक आपको इस तरह का क्लिप लेना जिसमें इंजन का ऑयल रहेगा बाइक का। एक आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है इस तरह का। एक आपको जो थोड़ा सा कपड़ा ले लेना है इस तरह का। ये देखिए हम पूरा ताकत लगा करके घुमा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हैंडल ग्रिप घूमने का नाम नहीं ले रहा है और निकलने का नाम भी नहीं ले रहा है। ये देखिए, ये देखिए कितना ज्यादा जाम है। तो दोनों ही साइड का हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, ये देखिए। तो इसी तरह से ग्रिप जब जाम हो जाता है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है कि ग्रिप को निकाले कैसे और नया ग्रिप लगाएं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कपड़ा ले लेना, ठीक है, जो भी कपड़ा आप लेंगे। कपड़ा को लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जो है ग्रिप में फोल्ड करके अच्छे से आपको फिट कर लेना है कपड़ा को, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए कपड़ा को इस तरह से पहले आपको जो है लगा लेना है ग्रिप में, मंकी प्लायर ले लेना है। मंकी प्लायर का मुंह को इस तरह से आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है, जितना में आपका ग्रिप यानी अच्छी तरीका से पकड़ में आ जाए इस तरह से, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक साइड में इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से घुमाना है, ठीक है, इस तरह से एक साइड में हो गया। उसका दूसरा साइड में आपको पकड़ना है इस तरह से और इस तरह से घुमाना है, ठीक है, हल्का हल्का इस तरह से घुमाना है। तो ये देखिए ग्रिप का जो पकड़ था वो छूट गया है, रुको जरा सबर करो, ठीक है। छूटने के बाद अब क्या करना है, कपड़ा को निकाल देना है, ये देखिए कपड़ा आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ से इस तरह से घुमा के देखना है, अगर हाथ से घूम जाता है तो ठीक है, अगर नहीं घूमता है तो कोई बात नहीं। देखिए हाथ से हम घुमाए तो नहीं घुमा, गजब बेइज्जती है। अब क्या करना, ऑयल का मदद लेना, ठीक है, साइड में हल्का हल्का ऑयलिंग कर देना इस तरह से, देखिए ये हम ऑयलिंग कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रिप का ऑपोजिट साइड में भी आपको ऑयलिंग कर देना है इस तरह से, ठीक है। फिर से कपड़ा को इस तरह से लपेट देना, ठीक है, ग्रिप में लपेटने के बाद मंकी प्लायर इस तरह से पकड़ना है और घुमाना है फिर से, ये देखिए इस तरह से घुमाते रहना है आपको आगे पीछे कर करके, ये आपका घूम जाएगा। उसके बाद फिर आपको कपड़ा को हटाना है, उसके बाद फिर से हाथ से घुमा के देखना है, घूमता है तो ठीक है, अगर नहीं घूमता है तो थोड़ा दोनों हाथ लगा करके घुमाए, ये देखिए तो माइनर घूम रहा है। तो ऑयल दे देना है, ऑयल देने के बाद अब क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर का मदद से इस तरह से अंदर की ओर प्रेस करना, ठीक है, हिसाब से प्रेस करना है ताकि ग्रिप खराब ना हो, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए हम अंदर की ओर प्रेस किए, ये देखिए इतना प्रेस हो गया लेकिन ग्रिप हमारा खराब नहीं हुआ, इतने करना है उससे ज्यादा नहीं। और आपको फिर से ऑयल करना ताकि ऑयल जो है अंदर तक चला जाए ग्रिप का, ये देखिए ये अंदर तक चला गया है और करना है, ठीक है, ये देखिए साइड की ओर कर दिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे, ये देखिए ऑयल अंदर की ओर चला गया। फिर आपको पेचकस को बाहर निकाल देना है, स्क्रू ड्राइवर को, उसके बाद आपको इस तरह से ग्रिप को निकालना है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से पकड़ पकड़ ग्रिप को निकालना है, ये देखिए ग्रिप हमारा एकदम इजीली बाहर आ गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ और ग्रिप भी हमारा खराब नहीं हुआ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने में रिजल्ट है, ये देखिए ग्रिप एकदम हमारा परफेक्टली बाहर आ गया और ग्रिप हमारा खराब नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको दोनों साइड का निकाल लेना है ग्रिप को, जिस तरह से हम आप लोग को एक साइड का बताएं। सो दोस्तों जैसा कि देखिए दोनों ही साइड का हम ग्रिप को निकाल दिए सेम प्रोसेस के साथ में। तो इस तरह से जाम ग्रिप आपका साइकिल का हैंडल का आसानी से निकल जाएगा, जिस प्रोसेस का साथ में दिखाएं बताएं उस तरह से कंप्लीट कर लेना है। बेस्ट बेस्ट डिजाइन वाला ग्रिप खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे खरीद सकते हैं ऑनलाइन।
देखिए ये आपका लेटेस्ट डिजाइन में आया है जो कि हमें साइकिल शॉप में मिला था हमारे इधर। इसका प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो इसका प्राइस हमें पड़ा है 80 रुपीज। फिट करने के लिए आपको ग्रीस लगा लेना है इस तरह से, जैसा कि देख रहे हैं ये देखिए, ठीक है, ग्रीस भी लगाना है और आपको ऑयल भी लगाना है। इससे क्या होगा, जब आप बाद में ग्रिप को खोलना चाहेंगे तो इजीली खुलेगा और ग्रिप आपका जाम नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ये देखिए ग्रिप आपका आसानी से फिट हो जाएगा। ये देखिए ग्रिप हमारा फिट हो गया एक साइड का, अब हम दूसरा साइड का फिट करते हैं। ये देखिए दोनों ही साइड के ग्रिप को फिट कर दिया। अब देखिए हैंडल का लुक क्या जबरदस्त आ रहा, मस्त लग रहा देखने में, पहले इतना मस्त नहीं लग रहा था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।